हमारा प्रोग्राम है, हमने तय किया है कि 5 दिन की हम यात्रा जो है वो ईआरसीपी हमारा फैमिली लेके रहेंगे, फैमिली लाके रहेंगे, इस तरीके से श्लोक के साथ में हम 5 दिन तमाम जो लीडरशिप है और 13 जिलों के जो लोग वो अपने अपने क्षेत्र से यात्राएं बीमार करके आएंगे, जो हमारी रूट पे चलेगी यात्रा उसमें शामिल होंगे, समाये होंगे आखिरी में लास्ट में हम चाहेंगे कि हमारी केंद्रीय निमित्त जो वो आकर देखिए। मोदी जी के बाद 25 सितंबर को मोदी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी आज तक तो कुछ देखे गए नहीं, 5-6 सभाएं भी जो लोग रही हैं, आप सीकर की देख लीजिए, अजमेर की देख लीजिए, और हमारी सभाएं में लोग आ रहे हैं, उनके भी खूब उजागर हो रही है, आपस में उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, जनता का उनको कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रयोजन घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रयोजन घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं, अब देर आए तो रास्ता है, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी वोट में रहते हैं 2400 और 365 तो हो सकता है चुनावी वोट में आए, लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो जुमलेबाजी की सरकार है, ये कोई सरकार और राजस्थान की सरकार काम करने वाली सरकार है, क्योंकि लोग ये कहते हैं काम किया दिल से कांग्रेस सरकार के लिए। आचार संहिता का कॉर्डन शुरू हो चुका है, समय अभी राहुल गांधी की और उनके साथ का मिलेगा, अपने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके साथ को, क्योंकि सरकार से हमने आलोक कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन कौन के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रदेशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, तो हम शिलान्यास कराना चाहते हैं, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सीसी के कार्यकारी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जी होंगे और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, वो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं अध्यक्षगण हैं उनको हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाएंगे, और कांग्रेस के तमाम सक्रिय नेता जो MLA हैं, XML हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में ये कांग्रेस CWC की बैठक में देखिए CWC की बैठक में बहुत फैसले लिए थे और चुनाव को लेकर पूरी तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी तैयार है, जो 4-5 स्टेट्स के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में निर्णय किया गया, कैसी तैयारियाँ चल रही उसके बारे में चर्चा की, और राहुल गांधी जी के साथ का जैसे संदेश था कि जिस प्रकार से 2 साल से मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, अब समय आ गया है, क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है, और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इनकम टैक्स की CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम 500 स्टेट्स में तब से लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे और 2024 में इंडिया जीतेंगे। चुनाव में समय कब बचा है? चुनाव आयोग लगाएगा तब हमने पहली बार राजस्थान में आखिरी जो बजट होता है किसी भी सरकार में जब से सरकारें बननी शुरू हुई तब से उस बजट को उतारती है, क्योंकि हमारा